तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं यहाँ रेणुकूट में हिंडालको के गेस्ट हाउस में हूँ। उधर वो गेस्ट हाउस का लिखा है, आपको लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा नाइट लाइफ में कैमरा बहुत, मतलब नाइट सीन में मेरा कैमरा बहुत जस्टिस नहीं करता है। सो मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। कल सुबह मैं उसका टूर देता हूँ हिंडालको का, हिंडालको गेस्ट हाउस का। और ये ड्यूटी का टाइम हो गया तो स्टाफ सब जा भी तो रहे हैं। सो ठीक है, और ये हमारी गाड़ी है और अभी हम जस्ट पहुँचे ही हैं। रात के बज रहे हैं, मतलब 11 बजने में 15 मिनट बचा है, 10:45। और ये मैं, सो गाइस, ये है अपना रूम टूर। और ये टीवी है, इधर एसी लगा है, और ये कर्टेंस हैं, और ये बेड है। सो गाइस, दिस इज़ रूम टूर। और ये है बाथरूम, और इधर इसमें दिया है बाथ टब, और ये है शीशा, और ये है हम प्रो। तो ऐसा ही है, काफ़ी बढ़िया है ये। गाइज मॉर्निंग फ्रॉम द हिंडालको गेस्ट हाउस और रेणुकूट में। अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मतलब नहा धोवा के रेडी हूँ। मतलब बेटी उट्टी तो आ चुकी है, बस नाश्ते का वेट है। व्रत वाला मेरे को नाश्ता देता है कि नहीं, और बाकी का पता नहीं। और ऐसे ही है, मैं अभी टूर देता हूँ इसका आपको, और थोड़ा चश्मा लगा लूँ। इतना भी तो कम है ना भाई, वो वाला चश्मा मेरा टूट गया है। ठीक है भाई। सो गाइज, ये कुछ इस टाइप का है। मैं भी यहाँ 12 साल बाद आ रहा हूँ। मैं 12 साल पहले आया था जब मैं ओबरा ही रहता था। तो और ये बहुत ग्रीनरी वाले टाइप का है। अभी मतलब पानी वानी पटाया जा रहा है इसमें। और ये गेस्ट हाउस है, मतलब बढ़िया बना हुआ है। सोनभद्र का क्लास 1 नंबर 1 जो भी कह सकते हो, एक बढ़िया रुकने का वो बताया जा सकता है। ये तो मतलब सरकारी है तो इसलिए ऐसा है। और भी पूरा मतलब अच्छे अच्छे छोटे छोटे वो हैं सब बने हुए, पुतले उतले जो भी कह सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन विनर बेस्ट वैल्यूज मंथ सेलिब्रेशन। अच्छा, ये हिंडालको वाला है। और ये काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर, अच्छा ये पूरा बना हुआ है पेंटिंग वेंटिंग। वो राम जी बने हैं, विष्णु जी बने हैं, जो भी हैं। ये इधर थोड़ा पार्क टाइप का भी है, और रिज व्यू, यहाँ से व्यू आता है शायद। ये एक्चुअली हिल टॉप पे भी है ना, तो यहाँ पे रिज व्यू आता है। और इधर भी है, सब एक तरह का भवन भवन टाइप का है। ये भीमा भवन है, और ऐसे ही है ए हाउस डी हाउस। अच्छा, ये घर टाइप का है। रिव्यू वाला तो बंद है, वरना मैं व्यू दिखाता। और ऐसे ही घूम रहा हूँ, और इधर से भी कुछ होगा ही होगा। सो गाइस, ये ऑफिसर्स क्लब है, वो अपना रूम उधर था। और ये इस टाइप का थोड़ा सा ऑफिसर्स क्लब इसका, हिंडालको का। हम हिंडालको में हैं, और ये थोड़ा रिव्यू भी कह सकते हो। रिव्यू वहाँ से लिया जाता है, लेकिन हम रिव्यू यहीं से ले लेंगे। ये नीचे फैक्ट नहीं, क्या है ये? अच्छा, ये पूल है, ये स्विमिंग पूल है। अंदर ये पूल भी तो होता है ना, और अंदर उधर जिम एरिया भी होगा। अभी तो पूल में पानी वानी है नहीं, और ना कोई है। और ये ऑफिसर्स क्लब है, मतलब ये गार्डन अच्छा है बैठ के यहाँ चिल करने के लिए। उधर शायद कुछ होगा, किचन भी है अंदर में, रेस्टोरेंट भी, लेकिन वो सब वो है गवर्नमेंट वाला, प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए मैं सोचा एक बार आपको टूर दे दूँ। अभी तो काफ़ी बड़ा है हिंडालको यहाँ पे, मतलब मैं तो अभी गेस्ट हाउस एरिया में हूँ, तो यहाँ पे ये जो जो चीज़ है, ये थोड़ा मेंटेनेंस का काम भी तो है। और ये झूला लगा है, गंदा है शायद, नहीं साफ़ है, बैठूंगा कपड़ा में। तो ऐसे ही है, ठीक है, नाइस एनवायरनमेंट। और ये शायद लग रहा है मुझे एयर क्वालिटी इंडेक्स शो करने के लिए बना हुआ है जो है ना, ये वाली चीज़। और यही सब है, चलते हैं अपने रूम की ओर। और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो करना गाड़ी निकाल के हम घूमेंगे तो समझ में आएगा। सो गाइज, यही है, इधर गाड़ी खड़ी है अपनी, चलते हैं गाड़ी की ओर, इधर से वापस जा रहे हैं। गाइज, कैलाश सदन है, मतलब जहाँ मैं रुका हूँ गेस्ट हाउस में। और ये टेनिस कोर्ट है हिंडालको का, और ये रास्ता है। सोचा मैं पैदल पैदल वॉक कर लूँ। वॉक करने वाला आउटफिट तो है नहीं हमारा, लेकिन तब भी कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा घूम लेता हूँ। आखिरकार 12 साल बाद भी तो आया हूँ गाइज। और ये मंदिर के नाम पे है सर। और ये क्या है? अच्छा, ये बैडमिंटन कोर्ट है अंडर वाला जो है। और ये ऑडिटोरियम है, आदित्य बिरला का ऑडिटोरियम है ये। ये ऑडिटोरियम का टूर है, यहाँ नो पार्किंग का साइन लगा हुआ है। और ये एकदम खाली सुनसान रास्ता है, अच्छा लगता है। इसका खुला हुआ है जा सकते हैं, लेकिन अंदर वाला बंद है। अंदर टहल के क्या ही होगा। और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके बाद में
यहाँ से गाड़ी आ रही है। काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड सब खड़े हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उधर है हनुमान मंदिर प्रवेश द्वार, मतलब ये हनुमान मंदिर जो है वो भी बहुत हाइट पे होगा, तो पहले पहले तो जा नहीं सकते हैं, गाड़ी से देखा जाएगा यार, क्योंकि अभी मुझे निकलना है फिर वापस भी। यहाँ पे नाइट स्पॉट मतलब नाइट स्टे था और यही सब है। मैं गाड़ी से थोड़ा हो सकूँ तो दिखाऊँगा, वापस चलते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर। सो गाइज, ये अंदर कुछ इस टाइप का है और ये है गेट, और इधर से आएंगे तो ऐसे है, और इधर शायद सफाई हो रही है। हम चलते हैं अपने रूम की ओर, इधर से मेरा रूम है ये वाला। सो गाइस, मैं निकल के आ गया था वहाँ से, मतलब अभी हिंडाल्को वाले गेस्ट हाउस से मैं चेकआउट नहीं किया अभी, और मैं सोचा गाड़ी धुलवा लेता हूँ। और ये गाड़ी है मेरी, मतलब अंदर से पूरा अंदर बाहर पूरा वैक्यूम साफ़ करवा देता हूँ, तो चमकनी चाहिए ना, नई लगनी भी चाहिए भाई, अभी एकदम नई नई है। और इधर रेमंड वाला शोरूम है जहाँ पापा गए हुए हैं, और यही रोड है, मतलब ये थोड़ा पहाड़ पे है ना, रेणुकूट ऐसे बसा हुआ, तो यही सब है। तो ये अपनी गाड़ी वॉश हो रही है, कपड़े वपड़े मारे जा रहे हैं, और ये गाड़ी एकदम चमका दी गई है, पानी भी मार रहा है। चलो ठीक है भाई, आगे दिखाते हैं फुल एकदम जब वॉश हो जाएगी। तो गाइस, फाइनली गाड़ी हो गई है वॉश, अब अंदर से थोड़ा सा वैक्यूम हो रहा है और अब थोड़ा चमक जाएगी गाड़ी, अंदर से पूरा साफ़ हो चुका है, बाहर से भी पूरा एकदम चमक रही है, रिटेन के डब्बे भी तो साफ़ हो रहे हैं। सही है, ये रेमंड शॉप रेणुकूट का। हम आ चुके हैं ओबरा और यश के घर पे, सो इसलिए मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, रेणुकूट वाला सीरीज मतलब खत्म। अब मैं यहाँ से बनारस जाऊँगा, तो मैं बनारस जाते हुए का ब्लॉग डालूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय, बोलना चाहोगे भाई? नहीं।